दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक वीडियो को अगर हम मल्टीपल चैनल पर अपलोड करेंगे तो क्या होगा। आप लोगों में से कई लोग ऐसे करते भी होंगे या किए भी होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बहुत ही डिटेल से समझेंगे कि एक वीडियो को अगर हम मल्टीपल चैनल पर अपलोड करते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे चैनल पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने एक वीडियो क्रिएट किया और आपके पास 2 से 3 YouTube चैनल हैं। आपने ये सोचा कि हम इस वीडियो को हम YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे, मतलब कि अपने तीनों YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे और अपलोड करके देखते हैं कि किस पे सबसे ज़्यादा व्यू आता है। जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा, बहुत ही गौर से देखा होगा कि जब वीडियो अपलोड होता है तो वहाँ पर अपलोडिंग लिखता है, अपलोडिंग के बाद वहाँ पर लिखता है चेकिंग लिखता है, उसके बाद से प्रोसेसिंग लिखता है। तो ये सभी चीज़ें YouTube के एल्गोरिथम क्या करता है, आपकी वीडियो को चेक करता है कि आपकी वीडियो के अंदर क्या है, आपने वीडियो में क्या क्या चीज़ें बताया है, सब चीज़ चेक करता है, तब जाके आपकी वीडियो को वहाँ पर प्रोसेसिंग के बाद वहाँ पर पूरी तरीके से अपलोड करता है। अगर आप किसी भी तरह का अगर कॉपीराइट वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करते हैं तो वहाँ पर क्लेम आ जाता है। अगर आपका वहाँ पर खुद का कंटेंट रहता है तो वहाँ पर किसी भी तरह का कॉपीराइट क्लेम वगैरह नहीं आता है, सब चीज़ ओके रहता है। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी भी तरह का अगर कॉन्टेंट यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, कॉपीराइट क्लेम आता है। तो सेम वही चीज़ हो जाता है जब आप अपने वीडियो को एक चैनल पर अपलोड कर दिए। सपोज कीजिए कि आपने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो को आपने एक चैनल पर अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आपने क्या किया, फिर उसी वीडियो को अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया। फिर आपने क्या किया कि फिर उसी वीडियो को अपने तीसरे चैनल पर अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आपने क्या किया कि तीनों चैनल्स पे उस वीडियो को पब्लिश कर दिया। तो मान लीजिए कि आपका अगर YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप इस तरीके से अगर करते हैं, तीनों चैनल के साथ आप इसी तरीके से करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं और तीनों चैनल पर अपलोड करते हैं, ठीक है ना। और आपका इस तरीके से करते करते आपका चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 6000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है और आप उस समय अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद जब आपका चैनल रिव्यू में जाता है, YouTube आपके चैनल को चेक करता है तो वो क्या पाता है कि आपने एक वीडियो को 3 चैनल पर अपलोड किया है। तो वहाँ पे आपको दे देता है आवन रियूज कंटेंट, मतलब कि आपने खुद का वीडियो खुद के चैनल पर अपलोड किया है। इस तरीके से क्या होता है कि रियूज कंटेंट में आपका वीडियो चला जाता है और YouTube वहाँ से आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर देता है, मतलब कि मोनेटाइजेशन की जगह पर वो आपके मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर देता है और ऐसे में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा दिक्कत हो सकता है। तो कभी भी आप अपने एक वीडियो को 2-3 चैनल पर अपलोड ना करें। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि मान लीजिए कि आपका एक चैनल मोनेटाइज है और एक चैनल मोनेटाइज नहीं है। आपने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो को आपने मोनेटाइज वाले चैनल पर अपलोड भी कर रहे हैं और जो मोनेटाइज नहीं है उस चैनल पर भी अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो चैनल मोनेटाइज है ना, तो YouTube क्या करेगा, आपके चैनल को रीयूज कंटेंट की वजह से आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर देगा। तो अब देखिए कितना बड़ा दिक्कत हो गया। एक तो चैनल आपने कितने मेहनत करके अपने चैनल को मोनेटाइज किया और अपना दिमाग लगा, अगर आपने सोचा कि एक ही वीडियो बनाएंगे और दोनों तीनों चैनल पर अपलोड करेंगे तो ऐसे में आपको तो एक दिक्कत हो गया ना, आपका जो चैनल मोनेटाइज था वो भी डीमोनेटाइज हो गया। तो इस तरीके से देखिए कितना ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, आपके चैनल पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आपको कभी भी अपने एक वीडियो को मल्टीपल चैनल पर अपलोड नहीं करना है। हाँ दोस्तों आप ये कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपने ये वीडियो बनाया कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो वो वीडियो आपने हिंदी में बनाया, फिर आपने वही वीडियो बनाया इंग्लिश में बनाया कि सब्सक्राइबर कैसे बनाएं, हाउ टू गेट 100 सब्सक्राइबर, और आपने इंग्लिश में बनाया हाउ टू गेट 1K सब्सक्राइबर। हिंदी में बनाते हैं और इंग्लिश बनाते हैं, तब अगर आप अपने वीडियो को मल्टीपल चैनल पर अपलोड करते हैं, मान लीजिए कि हिंदी वाला जो बनाया एक चैनल पर अपलोड कर दिया, इंग्लिश वाला जो बनाया एक चैनल पर अपलोड कर दिया, तो ऐसे में आपके चैनल पर कभी भी रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि आपका लैंग्वेज वहाँ पर चेंज है और ये वीडियो भी पूरी तरीके से अलग है और इसका जितने भी उसके अंदर जो प्रोसेसिंग चल रही है, वीडियो के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उसका सब चीज़ अलग है। तो ऐसे करके अगर आप वीडियो क्रिएट करते हैं तो आपके चैनल पर कभी भी रीयूज का प्रॉब्लम नहीं आएगा और ना ही आपका चैनल डीमोनेटाइज होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा दिक्कत है। आप लोग सोचते होंगे कि चलिए हम 2-3 चैनल बना लेते हैं, एक वीडियो रोज़ बनाएंगे और तीनों चैनल पर अपलोड करेंगे, तो इस तरीके से क्या होगा कि एक चैनल पर नहीं चलेगा तो कम से कम 2-3 चैनल पर तो मेरा वीडियो वायरल होगा, और जब वायरल होगा तो हमारा क्या होगा कि हमारा वीडियो पर व्यू आएगा तो 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा हो जाएगा और 6000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। तो ये आपकी भूल है। आपको क्या लगता है कि YouTube का जो एल्गोरिथम है वो बुड़बक है,
बिल्कुल बुड़बक नहीं है। YouTube का जो एल्गोरिथम है वो बहुत ही स्मार्ट है, हर चीज़ को चेक करता है। आप वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं उसको चेक करता है कि उसके अंदर क्या है, क्या क्या चीज़ें आपने उसमें इंक्लूड किया है, सब चीज़ उसके पास डाटा चला जाता है। आप ये मत समझिएगा कि आप उसको मतलब चकमा दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। इतना मेहनत करके आप 4000 घंटे सब्सक्राइबर पूरा करते हैं, 1000 सब्सक्राइबर पूरा करते हैं, और आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका चैनल तहस नहस हो जाता है, आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है, कैसा लगेगा आपको? तो आप जब भी YouTube पे काम कर रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से कीजिए, जेन्युइन कंटेंट दीजिए, आपका एकदम ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। आप वो वाला चक्कर में मत रहिए कि एक तीर से दो निशाना, ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसे में क्या होता है ना कि बहुत दिक्कत हो जाता है आपके चैनल के लिए, आपके पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है सिर्फ एक गलती की वजह से। इसलिए कभी भी जब भी आप वीडियो बनाएं तो एक ही चैनल पर अपलोड करें, दो तीन चैनल पर अपलोड ना करें, रोज़ वीडियो बनाइए। एक और दोस्तों आप बात बताइए कि आप रोज़ वीडियो बनाते हैं, रोज़ अपने वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, तो आपने सोचा है कि इससे आपके अंदर क्या डेवलप हो रही है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप डेली वीडियो बनाते हैं, डेली अपने वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, तो आपके अंदर स्किल डेवलप होती है। सबसे बड़ी बात कि आपको बोलने का एक्सपीरियंस होता है, कैमरे को फेस करने का एक प्रॉब्लम जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है जो नए यूट्यूबर हैं ना उनके लिए, सबसे बड़ा दिक्कत है वो कैमरे को फेस नहीं कर पाते हैं, कैमरे के सामने जब भी आते हैं तो हकलाने लगते हैं, अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब मैं पहली बार यूट्यूब पर वीडियो शूट कर रहा था ना, तो दो लाइन मुश्किल से दो से तीन लाइन बोलने में मेरी हालत ख़राब हो जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्या बोलूं। स्क्रिप्ट लिख जाता, स्क्रिप्ट भी भूल जाता था कि कैमरे के सामने एक लाइन बोला भूल गया। फिर मैं क्या किया कि खुद को मतलब कैमरे के सामने बैठकर बोलता था, एक्सपीरियंस करता था, मतलब बोलने की प्रैक्टिस करता था। तो इस तरीके से धीरे धीरे अभी थोड़ी सी सुधार हुई है, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह और भी ज़्यादा सुधार होगी। दोस्तों देखिए, डेली वीडियो बनाने से आपके अंदर स्किल डेवलप होता है, एक समय के बाद आप बहुत अच्छे बोलने लगते हैं, कैमरे को फेस करने लगते हैं, हर चीज़ बहुत डिटेल से बताने लगते हैं, आपकी जो बात होती है समझाने की जो स्किल होती है, आपके समझाने की स्किल ऑडियंस को पसंद आने लगता है, एक ही बार में आपकी बातों को समझ जाते हैं। तो कभी भी आप इस चीज़ से घबराइए मत। देखिए YouTube आपको बहुत चीज़ सिखा देता है, एक तो आपको बोलने का तरीका सिखा देता है, बहुत सारे नॉलेज आपको देता है, जो चीज़ें आपको नॉलेज नहीं होती वो सभी चीज़ें नॉलेज आपको मिल जाता है YouTube के माध्यम से ना। आप एक मान लीजिए कि एक अनपढ़ है ना, तो आप YouTube के माध्यम से अगर YouTube पर काम कर रहे हैं तो एक समय के बाद ना एक बहुत तेज तराक इंसान बन सकते हैं। आप खुद देखिएगा, आज आप मेहनत कीजिए और आज मेहनत करने के बाद, आज से ठीक एक साल बाद या दो साल बाद आप खुद को देखिएगा, आप क्या कीजिएगा, दो साल बाद अपने पीछे वाले वीडियो, दो साल पीछे वाले वीडियो को उठाकर देखिएगा कि आप पहले कैसे बोलते थे, आपके बोलने का तरीका क्या था, क्या आप बोलने में हकलाते थे, बोलने में आपको नहीं आता था, सब चीज़ आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। अरे दोस्तों मैं कहाँ चला गया, बातों में थोड़ा सेती हो गया। तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ें छोड़िए, चलिए हम जो मुद्दे वाली बात थी उसको करते हैं। आपको कभी भी एक वीडियो को मल्टीपल चैनल पर अपलोड नहीं करना है, अगर आप वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एक ही चैनल पर उसको अपलोड करना है, मल्टीपल चैनल पर बिल्कुल अपलोड नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज से डिमोनेटाइज हो जाएगा और आप पड़ जाएंगे प्रॉब्लम में, तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। मैंने सोचा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग के साथ शेयर कर देनी चाहिए कि आप ऐसे गलती कभी भी ना करें। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।